हम लोग जैसा एंडिंग अच्छा किया 2019 का, तो हम लोग का सब मोटिवेटेड है कि 2020 का भी स्टार्ट उसी तरह के विनिंग नोट पे करना है। तो सब कॉन्फिडेंस है सबके पास, तो अभी गेम में वो जो हमारा टीम वर्क है वो करना है। पहले से ही सिर्फ ATK बोल के नहीं, इधर ISL का सब टीम ही स्ट्रांग है अपना दिन के ऊपर है। तो हम लोग मुंबई सिटी FC हमेशा कोशिश करेगा होम में जीतने के लिए, और ATK स्पेशली अच्छा टीम है, बहुत अच्छा टीम है। तो हम लोग कोशिश करेगा सब मिल के एज ए यूनिट अच्छा खेल के ये मैच जीतने का। नहीं देखिए, क्लीन शीट सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं हो रहा है, वो पूरा डिफेंसिंग सिस्टम जो है वो पूरा टीम के ऊपर रहता है। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहा है, तो कोशिश करेगा नेक्स्ट मैच से ही स्टार्ट होने का कि डिफेंस में अच्छा खेल, एज ए डिफेंसिव वाइज अच्छा खेलने का टीम। देखिए सब टीम का इंजुरीज या अब जो सस्पेंशन सब टीम का होता है, हमारा टीम का इस साल थोड़ा ज़्यादा लाख खड़ा पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इवन पावला का भी अभी हुआ तो सबको पता है। तो अभी कोच हमेशा हम लोगों को सबको पूरा ऑल ओवर 25 जो प्लेयर्स है सबके ऊपर कोच बिलीव करता है, कोच सबको कॉन्फिडेंस देता है, और सबका मतलब कोई भी अगर किसी का रिप्लेसमेंट में खेले तो कोच उसको 100% कॉन्फिडेंस देता है। ये फुटबॉल जैसा टीम गेम है, उन लोगों का पूरा टीम अच्छा है, स्पेशली उन दोनों का जो फॉरेनर्स है जो स्ट्राइकर खेल रहा है डेविड एंड रॉय कृष्णा, दोनों ही अच्छा प्लेयर है। तो हम लोग सिर्फ अकेला नहीं, पूरा एज ए होल टीम डिफेंसिव वाइज अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम लोगों उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो बता सकता है, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एज ए टीम अगर मेरा गोल से भी इम्पोर्टेंट है टीम को जीतना, टीम को थ्री पॉइंट्स आना, तो अगर टीम का 3 पॉइंट्स आएगा तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होगा।